हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपको बताया था शनिवार को काफी ज्यादा भीड़ आती है, तो आज है शनिवार। तो शनिवार को चलिए हम दिखाते हैं आज, मतलब आप पहली बार देखोगे अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि जब से वीडियो बनाई है और कुछ टाइम पर टाइम नहीं मिलता था और अभी टाइम मिला तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। तो वो अभी आपको अंदर जाके पता चलेगा, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आप भीड़ कम दिख रहा है, बट इतना भीड़ मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आपको अंदर जाने के बाद फिर हम बताएंगे, आइए हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हमारा माइक थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, इसलिए वॉइस नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे बता दें आपको, जो धर्मशाला रहती है माता के मंदिर के परिक्रमा के पास में, जो धर्मशाला उसमें भी पूजा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पीछे उसमें भी पूजा चल रही है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, मतलब पूरा बुक हो चुका है। जहाँ से परिक्रमा लगाते हैं वो भी बुक है और आसपास का क्षेत्र सभी बुक है। मतलब माता के मंदिर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा पूजा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 हज़ार से ऊपर आदमी है, लोग बाग हैं यहाँ पे, भक्त लोग इतना है कि 5 हज़ार से ऊपर बैठेगा। और लगातार पूजा चल रही है सुबह से शाम तक, शाम होने वाली है। अभी 3:30 बज रहे हैं, तो करीब 3:30 बजे के टाइम पर हमने वीडियो शूट किया। सुबह सोचो कितनी भीड़ होगी, आप आए हो तो आपको पता होगा सुबह कितनी भीड़ होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी, ये यहाँ पे पूजा करके गए हैं भाई लोग बाग, मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है। उधर तो हो ही रही है और इधर भी हो रही है। इधर आप देख सकते हो सामने माता आ रही है इन बहन जी में, जो कि काफ़ी खतरनाक दृश्य है देखने के लिए। और हमारे पास टाइम नहीं था इतना, और ढक्के मुक्के लग रहे थे, इसलिए हमने जितना हो सका उतनी जल्दी जल्दी बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठक थी, जो कि लोग बाग बैठते थे, बट यहाँ पे पूजा चल रही है। और आप चारों तरफ देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, चारों तरफ पूजा चल रही है। और हमने कई लोगों से पूछा भी था, आप कहाँ से आए हो, कितनी भीड़ है। मतलब कई लोगों ने बताया हम 20 साल पहले आए थे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और कई बार लोग बोल रहे हैं हम 20 सालों से लगातार आ रहे हैं, तो आज में और पहले में बहुत काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। और जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर, यानी आपके अपने चैनल पर एनके ब्लॉग फॉर यू पर नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई लोहड़ी माता से जुड़ी जानकारी, पल पल की अपडेट, कोई भी वीडियो हो, कोई भी खबर हो, आप हमको कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो, या फिर आपको वीडियो के थ्रू मिल ही जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और लाइक करके ही जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी बॉयस हमारा नहीं आया। हम बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि लोहड़ी माता की ट्रस्ट कमेटी की ओर से और नगर पंचायत की ओर से और पुलिस कर्मियों की सहायता से यहाँ पे बिल्कुल भी, मतलब गाड़ी अननाउन गाड़ी नहीं लगी हुई है। मतलब जो फालतू गाड़ी लगी रहती थी वो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं। और आप अंदर देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी दोपहर का क्या श्याम होने वाली है, और भीड़ देख सकते हो आप कितनी है भाई। इतनी भीड़ तो परडे आती थी उस हिसाब से है, बट ये क्या, ये सुबह से भीड़ स्टार्ट और अभी तक श्याम होने वाली है। आप अंदर देख सकते हो पूरा धर्मशाला भरा हुआ है, फुल एकदम से चकाचक। पीछे भी पूजा चल रही है, आगे भी पूजा चल रही है, इधर पूजा चल रही है, उधर पूजा चल रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग बाहर से ही पूजा करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर जगह नहीं मिल रही है, और आप दर्शन करने के लिए जगह भी नहीं है। मतलब इतनी भीड़ भाड़ है कि दर्शन के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि इतनी, मतलब जो आपको पता है एक माता का मंदिर है, लोहड़ी माता का मंदिर काफ़ी विख्यात है, काफ़ी बहुत बड़ा है, पुराना है और काफ़ी मतलब प्राचीन मंदिर है। मतलब इसकी जो देख रेख है वो नगर पंचायत कमेटी की ओर से होती है। और आपको पता है इसकी जानकारी हम आपको अपडेट कर देंगे, आप एक बार कमेंट करिए आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए।